हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग के साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप सभी को बहुत हेल्प करने वाली है, चाहे टीनेजर हो, कोई भी एज ग्रुप के हो। क्योंकि आज की वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चन लिए जाएंगे एंड पाँचों ही क्वेश्चन आपके बालों से रिलेटेड होंगे। ये 1 by 1 उस क्वेश्चन के मैं आपको रिप्लाई करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि ये प्रॉब्लम होगी तो आपको कैसे बालों को ट्रीट करना है, ये प्रॉब्लम है तो कैसे ट्रीट करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड मेरे साथ मेरा जो वीडियो में सेकंड जो पार्ट बनने वाली है, जो क्वेश्चन मुझसे पुट अप करेंगी, वो करने वाली है फ्रूटी, यानी कि रानी। ओके, सो रानी मुझे 1 by 1 क्वेश्चंस पूछेंगी, उसके मैं रिप्लाई उनको देने वाली हूँ, तो आप सभी के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, सो पहला क्वेश्चन है जो कि रानी पूछ रही है, अब बताइए रानी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दी आपसे कि सबसे पहले तो हेयर फॉल देखिए बहुत ज्यादा होता है, तो उसके लिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हेयर फॉल देखिए अब भी बहुत ज्यादा मेरा हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एंड आप पूरा उसकी डिटेल में बताएं। चलिए, रानी ने पहला क्वेश्चन पूछा है कि इसको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए क्या किया जाए। अब यहाँ पर मैं आपको एक पहले तो एक चीज़ बताऊँगी, रानी की सबसे बड़ी गंदी आदत क्या है। रानी की गंदी आदत ये है कि इसका जब हेयर फॉल होता है तब ये मेरे पास आ जाती है, ठीक है, और जब मैं इसको बोलती हूँ कि अपने बालों की रेगुलर केयर करो तो ये रेगुलर केयर नहीं करती है। ये समझ लो कि 1 महीने करती है, फिर 1 महीने छोड़ देती है, 2 महीने छोड़ देती है, फिर वापस से जब इसके बालों में प्रॉब्लम होने लगती है तो वापस से करना स्टार्ट होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बालों की केयर आपको कॉन्टीन्यूटी करनी पड़ेगी, आपको रेगुलर बालों की केयर करनी पड़ेगी। जैसे एवरीडे मॉर्निंग में उठते ही हम हमारे दांत साफ करते हैं ना, ब्रश करते हैं ना, आप क्या बिना ब्रश किए रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते हो आप, मतलब आप 1 महीने तक अपने ब्रश ना करो तो क्या आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। वो कितने डर्टी हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, यहाँ तक कि कमज़ोर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, है ना। तो आपको उसी तरह से अपने बालों की भी केयर करनी है, एवरी टाइम केयर करनी है। ये मैं नहीं बोलती हूँ कि आप एवरी डे करो, लेकिन आपको वीकली इसका रूटीन है ना, उसको फॉलो करना पड़ता है। अब मैं आपको, चलिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनिए। बालों के झड़ने के लिए बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे है, ब्लैक टी सीरीज़ तो है ही, इसके साथ साथ आप उसके अंदर कॉफ़ी की सीरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रीन टी की सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर 1 वीक का हेयर फॉल कंट्रोल सीरीज़ भी दिया है मैंने, वो यूज़ कर सकते हैं। मॉनसून सीजन में बालों की किस तरह से केयर करें, वो भी एक हेयर फॉल के ऊपर है। तो हेयर फॉल पे बहुत सारे ऑलरेडी सीरीज़ बनी हुई है, जैसे फेनुग्रिक है ना, फेनुग्रिक सीरीज़ वो भी हेयर फॉल पे काम करती है ना। एंड इसके अलावा जो है कलौंजी की सीरीज़, वो भी हेयर फॉल पे काम करती है। तो ये सब आप सीरीज़ कोई भी वीडियो उठा लीजिए, मैं तो ये बोलूँगी आपको जो पसंद आती है, आप मेरे चैनल पे आते हो, आप वीडियोस देखो प्लेलिस्ट में, आपको जो पसंद आती है उसमें से आप 4-5 वीडियो को उठा लो, 4-5 में से एक ऑयल ले लीजिए, एक टोनर ले लीजिए, एक हेयर पैक ले लीजिए, ये 3 ही ले लीजिए, बस 3 चीज़ ले ली ना आपने, 3 को आपको वीक में कम से कम 2-2 बार यूज़ करना। अगर आप 1 महीने रेगुलर यूज़ करते हो और कंटिन्यू इसको बनाए रखते हो तो आपका बालों का झड़ना, दूसरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती है। तो सबसे पहली जो क्वेश्चन का आंसर यही है कि आपको अपनी कंटिन्यूटी को बना के रखना है, और बालों का झड़ने के लिए मैंने आपको DIY ऑलरेडी अपनी वीडियोस के नाम बता दिए हैं, तो उसमें से आप कोई भी वीडियो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अब आप रेगुलर ये काम कर रहे हो, ठीक है, फिर भी आपका एकदम से हेयर फॉल होने लगता है, मतलब आपने मान लो बहुत अच्छे से बालों की केयर कर रहे हो लेकिन फिर भी हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, वो नेचुरल होता है। आपको पता है ये पूरा एक साइकिल चलता है ना, आपके बाल हैं वो बिल्कुल 2-3 साल तक नहीं झड़ते हैं, फिर ऐसा होता है कि 2-3 साल तक बाल कंटिन्यू झड़ने लगते हैं, है ना, तो ये एक पूरा साइकिल चलता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही वो करना होगा, लेकिन आपको बालों की केयर करनी छोड़नी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि आप लगा तो रहे हैं लेकिन कुछ खा नहीं रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आपका रूटीन बहुत गंदा है, आप लोग टाइम से ना उठते हो, ना सोते हो, ना ही कुछ और काम कर पाते हो, तो
तो उन सब से आपके बालों पर इफेक्ट होता है। आपकी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, चाहे आपका पेट दर्द हो रहा है, आपको कब्ज की शिकायत हो गई है, आपकी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम है, सीधा सबसे पहले बालों का झड़ना सामने आता है, सबसे पहले बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको हेल्दी डाइट लेनी होगी, अच्छी चीज़ें खानी होगी, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल होती है वो खाइए, स्ट्रेस नहीं लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, और थोड़ा टाइम मिल जाए तो योगा एक्सरसाइज भी कर लीजिए, और नहीं टाइम मिलता है तो 10 मिनट के लिए घर में रनिंग कर लीजिए या फिर वॉकिंग कर लीजिए, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी बॉडी को बहुत हेल्दी बना सकती हैं, तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके बाल, आपके पूरी फुल बॉडी बहुत हेल्दी रहती है। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है ये, अब बात कर लेते हैं रानी का सेकंड क्वेश्चन क्या है। ओके, चलिए अब आप पूछिए रानी, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन है मेरा डैंड्रफ के ऊपर। तो डैंड्रफ से तो देखिए हेयर फॉल होता ही है, तो आप मुझे डैंड्रफ के लिए बताएं कि उसके लिए क्या होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताओ, पहले तो आप कर क्या रहे हो डैंड्रफ के लिए। देखिए, आप मेरे से, आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप मेरे पास आते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दे देती हूँ, लेकिन आप करते क्या हो, कैसे करते हो, मुझे ये जानना है। और जो रानी बता रही है वो सभी लड़कियों की सेम रूटीन रहता है, मुझे जहाँ तक लगता है जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है उनका रूटीन ऐसा ही रहता है जैसा रानी का है। अब आपको रानी बताएगी कि उसका रूटीन कैसा है। चलिए आप बताइए, आपको डैंड्रफ होता है, आपने एक महीने में डैंड्रफ के लिए क्या यूज़ किया, चलिए बताओ। फिलहाल के लिए तो कुछ भी यूज़ नहीं करा है, सिर्फ ऑयलिंग करी थी। सिर्फ ऑयलिंग की है, और ऑयल कौन सा लगा रहे हो अभी आप? ऑयल अभी लगा रहे हम कोकोनट सिंपल ऑयल। सिंपल कोकोनट का ऑयल लगा रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए सिंपल कोकोनट का ऑयल, और वीक में कितनी बार लगा रहे हो तुम, या तुम्हारा कोई ऐसा टाइम टेबल आपका नहीं है, या आप वीक में पर्टिकुलर एकदम पंचुअल हैं आप इस चीज़ के लिए कि नहीं वीक में 3 बार तो लगाना ही लगाना है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आज लगा लिया फिर ये 10 दिन बाद लगाया है ना, वो चीज़ के ऊपर मुझे बताएं। आप ऑयल कितनी बार कर लेते हैं वीक में, कितनी बार कर लेते हैं ऑयल, सच सच बताना, कुछ भी झूठ नहीं चल रहा है। शायद वीक में तो नहीं होता है, पर ये है कि मतलब 2 वीक निकलने के बाद में एक बार लगा लेते हैं, मतलब 15 दिन में एक बार ऑयलिंग करती है फ्रूटी। अभी मैं बता रही हूँ इसका जो गंदा वाला रूटीन है ना, वो वाला मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत सारी लड़कियों का होगा। और आप में से किस किस का ये वाला रूटीन है जरूर मुझे कमेंट करके बताना। ये वीडियो हो सकती है थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन हम लोग जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कवर कर लेंगे, फिर सेकंड पार्ट भी आ सकता है इसका, ठीक है। तो चलिए, तो फ्रूटी का सबसे पहले तो डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये 15 दिन में एक बार ही ऑयलिंग कर पाती है। अब मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है, आप हेयर वॉश कितनी बार करते हैं वीक में, सच बताएंगे झूठ नहीं बोलेंगे आप? वीक में 1 टाइम हो जाता है। ये वीक में सिर्फ एक बार हेयर वॉश करती है। अब सबसे बड़ी जो गलती है वो है हेयर वॉश की। अगर आप वीक में एक बार हेयर वॉश कर रहे हो तो सोचो 7 दिन तक जो गंदगी है वो आपके स्कैल्प पर क्या हो रही है, जमा हो रही है। आप घर के काम करते होंगे, बाहर भी जाते होंगे, है ना, स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं तो बाहर भी जाएंगी, घर के काम भी करेंगी, तो उसमें देखिए गंदगी, धूल, प्रदूषण बहुत ज़्यादा उड़ता है, एयर में होता ही है, और वो सब आपके बालों में चिपकता है, आपकी स्कैल्प पर चिपकता है, और स्कैल्प को डर्टी कर देता है, गंदा कर देता है। अब आपको मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि कम से कम 3 बार अपना हेयर वॉश करिए, वो इसलिए बोलती हूँ ताकि आपकी जो स्कैल्प है वो साफ सुथरी रहे, आपके आपके बालों की कोई भी समस्या है, चाहे बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ हो रहा है, उसके लिए आपका सबसे पहला जो काम होना चाहिए हेयर वॉश का ही होना चाहिए, कि आप प्रॉपर कम से कम वीक में 3 बार अपने बालों को धोएं, जिससे आपके स्कैल्प है वो साफ सुथरा रहे। क्योंकि अगर आपका स्कैल्प साफ रहेगा तो वो गंदगी नहीं जमा होगी, और गंदगी जमा नहीं होगी तो डैंड्रफ भी नहीं होगा। ओके, तो अब आप सुन लिए, सबसे पहले अब आपको क्या करना है, वीक में 2 से 3 बार हेयर वॉश करना है, 2 बार तो करना है, अभी एक बार कर रहे हैं ना तो आपको 2 बार तो करना ही पड़ेगा। ओके, उसके बाद में आपको वीक में कम से कम 2 बार वापस ऑयलिंग भी करनी पड़ेगी। आप देखो रात में ऑयलिंग कर लो, सुबह सिर धो लो, ठीक है, और फिर 2-3 दिन के बाद में वापस रात में ऑयलिंग करके सुबह सिर धो लो, ठीक है। तो इससे आपका सिर का हेयर वॉश भी हो गया और ऑयलिंग भी हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो डैंड्रफ होता है तो हेयर फॉल तो होगा ही ना, तो इसलिए डैंड्रफ को होने ही नहीं देना। और डैंड्रफ के लिए मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस है, सबसे पहला तो आप कैरोट सीरीज़ कर लीजिए, बहुत अमेजिंग है डैंड्रफ के लिए कैरोट। अभी देखिए विंटर स्टार्ट हो गया, कैरोट आपको मिल रही है, मार्केट से ले आइए और यूज़ करिए, उसका ऑयल बनाइए, जेल बनाइए, है ना, टोनर बनाइए, सब मैंने वीडियो शेयर कर दी है। तो प्लेलिस्ट के अंदर कैरोट सीरीज़ के नाम से फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा भी डैंड्रफ
डैंड्रफ के लिए और भी बहुत सारी रेमेडी मैंने दी है, तो डैंड्रफ के नाम से भी फोल्डर बना हुआ है, डैंड्रफ एंड इचिंग है ना, इस नाम से फोल्डर है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। एंड उसमें जो जो वीडियोज़ मैंने आपको दी है वो भी रेमेडी DIY यूज़ कर सकते हैं। तो ऑलरेडी चैनल पर देखिए DIYs तो है, मैंने आपको डैंड्रफ के लिए बता दिया आपको इस तरह से यूज़ करना है और ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कितना हुआ है टाइम? 10 मिनट हो गए। और एक और हमारी बात है जो कि ये भी गंदी है। हाँ, तो हमारी एक और ये बात है कि जैसे हम ऑयलिंग करते हैं ना, तो उसके बाद हम 2 डेज बाद में हम हेयर वॉश करते हैं, मतलब 2 दिन ऑयलिंग को रख लेते हैं सिर में। हाँ, तो रख सकते हैं आप 2 दिन बालों में तेल लगा के रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रखना। ऐसा नहीं है 4-5 दिन आपने बस रखा या पूरे हफ्ते ही तेल लगा हुआ है और आपने सिर नहीं धो रहे हैं, तो उससे आपका सिर है ना गंदा होगा। तो आप 2 दिन बालों रख सकते हो, 3रे दिन आप हेयर वॉश कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा नहीं रखना आपको। दो क्वेश्चन का मैंने रिप्लाई दिया है और वो रिप्लाई ही इतना बड़ा हो गया क्योंकि फ्रूटी बहुत सारी मिस्टेक्स कर रही थी अपने बालों को लेकर। तो चलिए आज का इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। इसका जो नेक्स्ट जो वीडियो फिर Q&A वाला ही रहेगा, तो वो भी मैं लेकर आऊँगी क्वेश्चंस जो कि उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी मैं Q&A का ये स्टार्ट कर रही हूँ और ये फ्रूटी के साथ में अभी 1-2 वीडियो आएगी, उसके बाद मैं आप लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों को क्या क्या कंसर्न है आपको बालों से रिलेटेड, उसके लिए आप लोगों को अपना जो है वीडियो क्वेश्चंस हैं वो मुझे देने हैं, कमेंट करने हैं। वीडियो के नीचे ही कमेंट करिए, जो लेटेस्ट वीडियोस हैं ना अभी जो ये आएगी फ्रूटी वाली, इसी के नीचे आप कमेंट करिए, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके क्वेश्चंस हैं वो उसका रिप्लाई आपको करूँगी कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो आज मैंने 2 ही क्वेश्चन का रिप्लाई किया है, वीडियो बड़ी हो गई है इसलिए नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट सेकेंड जो पार्ट लेकर आने वाली हूँ, तो उसमें आपको 3rd, 4th, 5th जो भी होंगे, 6th जो भी क्वेश्चन होंगे उसका मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ आई होगी जो मैंने चीज़ें बताई है, क्या क्या मिस्टेक फ्रूटी कर रही थी और अब मिस्टेक वो नहीं करनी है, ठीक है। सो चलिए आप लोग भी उसका ध्यान रखिए और आपके कोई क्वेश्चन है तो इसी में कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है। वो नेक्स्ट जब वीडियो आएगी उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया है अभी तक, पास में जो बेल है उसे भी क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ जैसे ही अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, ओके। एंड लाइक ज़रूर करेगा, आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है एंड इसी तरह और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए मैं लेकर आती रहूँगी टाइम टू टाइम। सो आप लोग वीडियो को शेयर भी करिए अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, ताकि उनकी भी प्रॉब्लम दूर हो सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और सभी के साथ में शेयर करिएगा वीडियो को। और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम जो है ना इसी का, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग आ जाइए, वहाँ पर भी मैं शॉर्ट्स रील वगैरह सब ऐड करती रहती हूँ, डालती रहती हूँ टाइम टू टाइम, तो वहाँ पर भी आप लोग ज़रूर उसे भी फॉलो करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।